तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल काऊ गेमर पर। तो गाइस कैसे आप सब, होपली सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 3 वेस्ट हाइडन प्लेस फॉर रैंक पुशिंग। क्या आप ही हीरोइक जाना चाहते हैं या आप ही रैंक पुश करना चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 3 हाइडन प्लेस। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टॉप 3 हाइडन प्लेस मैंने सबसे बेस्ट बताया, जिनकी मदद से आप रैंक पुश बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो और गाइस, आपको रैंक पुश करने से पहले एक चीज़ ध्यान देनी होगी, आपके पास एक करेक्टर स्किल अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि के आलोक। अगर आपके पास के आलोक नहीं है तो आप बेस्ट सी ले लेना। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो गाइस जो नंबर 1 पर हाइडन प्लेस आता है गाइस, वो आता है मिल पर। आपको मिल वाले इस पुल पर लैंडिंग कर लेनी है, आप चाहे तो आगे भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, बस सिंपली इस पुल पर आगे जाते रहना है। और हाँ, आप लूट भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पर कोई एनिमी नहीं है तो आप लूट भी कर लेना, नहीं तो यार लास्ट जोन में आपको सर्वाइव करने की दिक्कत भी हो सकती है। आपके पास गन्ने नहीं होंगे तो आप एनिमी को नहीं मार सकते। अब आपको क्या करना है, जो ये पुल है, अब आपको क्या करना है, इस पुल पर आगे जाते रहना है। यहाँ पर जैसे कि गाड़ी है, मैं अभी गाड़ी को नहीं लूँगा, बस आपके बताने के लिए। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप जल्दी से भाग सकते हैं, जिससे पीछे से कोई भी एनिमी नहीं मार सकता। बस आपको जो है इस पुल पर आगे जाते रहना है। और आगे जाने के बाद जो आपको ये 2 बुक्स दिख रहे हैं ना, आगे जो डिब्बे हैं, बस आपको इधर जाना है और यही होने वाला हाइडन प्लेस। अब देखो मैं यहाँ पर गया और छोटा सा गैप है, मैं यहाँ से आगे चला जाता हूँ और देख सकते हो बीच में, मतलब ये नंबर वन पर ये है। और देख सकते हैं यहाँ से आप उस किसी भी एनिमी को देख सकते हैं, या मेल से आते एनिमी या जाते एनिमी को भी देख सकते हैं, बट आपको नहीं देख पाएगा। और एक बात और, हाँ यहाँ से आप किसी भी एनिमी को मार सकते हैं, तो है ना यार काफ़ी अच्छा प्लेस, आप भी ट्राई करना। तो कैसा लगा आपको ये प्लेस कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब चलिए बढ़ते हैं हाइडन प्लेस नंबर 2 की तरफ। तो गाइस जो हमारे नंबर 2 पर हाइडन प्लेस आता है गाइस, वो आता है फैक्ट्री के इधर साइड पर। आपको फैक्ट्री के साइड पर आ जाना है, और आने के बाद आपको जो नीचे समुंदर दिख रहा है, बस गाइस आपको इधर जाना है जहाँ पर पानी है। अब आपको यहाँ पर जाना है, आप यहाँ चाहे तो आप किसी भी किनारे पर जा सकते हो। और आपको करना क्या है, यहाँ पर बैठ जाना है और स्लो स्लो आगे जाना, ज़्यादा आगे नहीं जाना आपको, नहीं तो यार आप तैरने लग पड़ोगे। तो आपको स्लोली स्लोली आगे जाना, देख सकते हो मैं बिल्कुल पानी के अंदर हूँ और मेरे को कोई भी एनिमी देख नहीं सकता। तो ये बहुत ही मस्त तरीके यार, आपको एनिमी तो क्या है, कोई नहीं देख सकता, देख सकते हो बिल्कुल, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा आगे भी नहीं आना आपको, ठीक है, नहीं तो यार आप मतलब तैरने लग पड़ोगे। तो आपको बस स्लो स्लो आगे जाना है। तो यार ये भी बेस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं आप तीसरे प्लेस की तरफ। तो गाइस जो नंबर 3 पर हाइडन प्लेस आता है गाइस, वो आता है इधर क्लॉक टावर पर। और गाइस मैं हर बार बोलता हूँ यार, लूट तो कर लेनी है एनिमी से बचकर, और एनिमी से बचकर आपको रहना है। देख सकते हैं इधर ऊपर लैंडमाइन लगा दी थी एनिमी ने, मैंने इसको फाड़ दिया। और इसको फाड़ने के बाद आपको एनिमी का ध्यान रखना है, एनिमी भी हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस घर के अंदर चले जाना है। घर के अंदर जाने के बाद आपको सोफ़ा दिखेगा, इस सोफे के पीछे आ जाना है। देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छी तरह से छुप सके हो, यहाँ पर रैंक पुश अच्छे से कर सकते हो, एनिमी को भी मार सकते हो, पर एनिमी आपको नहीं देख सकता, देख सकते हो आराम से, बहुत ही अच्छी जगह है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।